नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। जी हां, कल 19 जून को शिवसेना का वर्धापन दिन था। इसमें उबाटा की तरफ से भी और शिंदे गुट की तरफ से जो है वर्षगांठ मनाई गई, शिवसेना की वर्षगांठ मनाई गई जो 57 साल की हो गई है। और दोनों की तरफ से ऐसी फायरिंग हुई राजनीति में कि हर कोई यही कहता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति इतने स्तर पर गिर गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष काले जी। इनसे हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा रही है, खासकर 2019 के बाद जिस तरह से पूरा राजनीतिक उथल पुथल हुई है महाराष्ट्र में, इसका परिणाम क्या होगा आगे, लोग क्या चाहते हैं आखिर में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से कल आपने सभा देखी शाम की शिवसेना की वर्षगांठ पे, तो क्या कहेंगे, जो महाराष्ट्र की राजनीति है देश से अलग ही दिखाई दे रही है एकदम से। वही है, कल की सभा अगर आपने देखी होगी जी या सुनी होगी तो उसमें आपने देखा कि महाराष्ट्र के बारे में कोई चर्चा, कोई बात, कोई आगे की सोच, कोई मुद्दा ही नहीं, कुछ वो मुद्दा ही नहीं था जी। सिर्फ एक ही थी, उद्धव जी का भाषण हो, उन्होंने मोदी जी, फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, बस इनको गाली दो। और शिंदे साहब ने रिटालिएट किया जी, उन्होंने जो उद्धव जी ने बोला उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स की, उसका रिएक्शन। तो देखिए, कल उनका वर्धापन दिन था, शिवसेना का वर्धापन दिन। मुझे याद आती है उस बात की जब बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे जी। और जैसे दशहरा का उनका भाषण होता था, बहुत प्रसिद्ध था। जैसे वर्धापन दिन के बारे में पार्टी को दिशा देना, पार्टी के आगे के चलकर महाराष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारा एजेंडा है जी, क्या हमारी सोच है, इसकी अपेक्षा थी कि भाई कुछ भाषण में ऐसा कुछ क्रिएटिव और पॉजिटिव आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। और ये नेगेटिविटी से उद्धव जी का भला नहीं होने वाला। क्या है कि लोग ये नेगेटिविटी से कंटाल जाते हैं। अभी कल जो तालियां बजा रहे थे कि ऐसा होगा कि उनके भाषण में मुझे हंसी आ रही है बोलने को भी, कि ऐसा होगा कि इसके बाद हमको कोई दुश्मन ही नहीं बचेगा। मतलब मेरे तो समझ में, मतलब 2024 के बाद इनको दुश्मन नहीं, मतलब बीजेपी खलास, एकनाथ शिंदे की शिवसेना खलास, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भी खलास, क्या उनका उनका कहने का शिवसेना भी समझ रही है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि एक जो मैच्योर नेता है, नेतृत्व है, तो उनको स्पेशली वर्धा, देखो इलेक्शन में भाषणबाजी होती है ना, वो बात अलग होती है। वहां आपको टीका करनी होती है सरकार के, अगर हम विरोधी में विरोध में है तो सरकार के खिलाफ टीका करनी है, नेताओं के खिलाफ टीका करनी है, वो इलेक्शन की भाषण की बात अलग होती है। लेकिन जब ऐसे माहौल में और ऐसे मौके पे जहाँ पे वर्धापन दिन हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी का वर्धापन दिन है, तो कैसा भाषण होना चाहिए। दुर्भाग्य से कल सब महाराष्ट्र की जनता को क्या कहते हैं, विरस हुआ होगा, तो उनको बहुत दुख हुआ होगा कि ये क्या है। आज बाला साहब होते तो क्या करते, आज बाला साहब होते तो कैसे, कैसा भाषण होता और आज क्या हो रहा है। और इसे देखो क्या है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे जी, तो महाराष्ट्र की अगर राजनीति हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट भी नहीं, सिंगल पार्टी ऑन इन रूलिंग, यस, ये सिर्फ कांग्रेस थी। मतलब मेजॉरिटी लाकर सत्ता पे बैठाना, चीफ मिनिस्टर बनना, ये सिर्फ कांग्रेस कर सकी थी। लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना की युति हुई, उस टाइम पहली बार आघाड़ी की यानी कि युति की सरकार आई 95 में, यानी कि दो पार्टियां एक साथ आकर सत्ता बनी। और आज तक, अभी तक वो ट्रेंड चालू है जी। अभी तक एक पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता पे आ नहीं सकी है। और ये किसका दुर्भाग्य है, ये नहीं दुर्भाग्य की बात नहीं है, अभी दुर्भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई चल रही है, चुनाव साथ में लड़ो, बाद में किसी साथ में सरकार बना लो। अभी वही मैंने कहा ना कि देखो कैसे है,
हमने अटल जी की सरकार देखी है केंद्र में, वो 23 26 27 पार्टियों को साथ में लेकर उन्होंने सत्ता की, लेकिन अभी हमने उसके बाद हमने मोदी जी की सरकार देखी है जो बीजेपी एक हाथी सत्ता लेके आई है, अपने दम पे बनाई, अपने दम पे सरकार बनाई, अभी 303 खासदार है। और इसीलिए ये जो निर्णय मोदी जी ले सकते हैं, एक कठिन निर्णय, जो निर्णय लेने की क्षमता और ताकत होनी चाहिए, वो आज उनके पीछे है। बिल्कुल। और इसीलिए वो निर्णय ले सकता है, भले वो 370 कलम हो या और कोई हो, तीन तलाक का हो या कोई भी निर्णय, विकास के बारे में निर्णय हो, ये सब निर्णय लेने की ताकत उनके पीछे है, क्योंकि एक हाथी सत्ता उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से पिछले कई इलेक्शन एक हाथी सत्ता किसी भी पार्टी को नहीं मिली है। अगर एक हाथी सत्ता आज के दिन में जी अगर कोई ला सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी ला सकती है, लेकिन 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 है वहां पे कि लेकिन ये जो युति का गणित है जी, ये गणित हमको और आगे चलकर भी बीजेपी को रखना पड़ेगा। उनकी आज एकनाथ शिंदे जी के साथ युति है, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी मिलकर आज महाराष्ट्र की सत्ता चला रहे हैं। 2024 में पहले मई में लोकसभा आएगी, उसके बाद विधानसभा होगी, इलेक्शन में युति की ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वो तो क्लियर है। कम से कम एक बात तो है कि ये दोनों पार्टी मतलब शिवसेना और बीजेपी ये एक बेस पे है हिंदुत्व के। सर अभी आप एक हाथ सत्ता जो बोल रहे हैं, आपको मैं याद दिलाऊं, मेरे लगता है कि 2019 में भाजपा ने कहीं ना कहीं गलती की है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में कंबाइंड चुनाव लड़ा, क्योंकि 2014 में सब अलग अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग, एनसीपी अलग, भाजपा अलग, शिवसेना अलग, लेकिन 2019 में ऐसी क्या मतलब कि मजबूरियां आई कि शिवसेना को लेना पड़ा साथ में और कंबाइंड चुनाव लड़े, और मेरे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने गलती की और एक हाथी सत्ता आ सकती थी उस समय 2019 में, अब बहुमत मतलब अपने दम पे सरकार बना सकती थी, वो कहीं ना कहीं चूक हुई है और वो काफी बड़ा चूक हो। मतलब अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं भी ये कहूंगा कि 2019 में जी जब इलेक्शन हुई थी उस टाइम अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ती जी तो चित्र बहुत महाराष्ट्र का चित्र ही अलग होता है। बीजेपी मेरे हिसाब से उनको जो सीटें मिली हो सकता है वो मेजोरिटी तक पहुंच जाती, और उसके और जो इलेक्शन के बाद जो आघाड़ी हुई शिवसेना ने बीजेपी को बाजू में रखकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता लाई, ये सब नहीं होता, नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन अगर हम देखने को जाते हैं तो अगर 2014 को जो हो विदाउट अलायंस और विदाउट युति अगर इलेक्शन हुई तो 19 को क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता आज भी पूछ रही है। और उसका यही है कि हो सकता है कि उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम का माहौल और हमारा नेतृत्व, शिवसेना का नेतृत्व, इन्होंने तय किया कि भाई नहीं हम युति में इलेक्शन लड़े। देखा जाए तो संभावनाएं बहुत कम बन रही थी, क्योंकि जिस तरह से 2014 से लेकर 2019 तक सरकार भाजपा शिवसेना के चली, उसमें तो शिवसेना विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रही थी, बराबर हर काम को जो है मोदी जी के हर काम को जो है उंगली किया जा रहा था, बराबर हर जगह जो है उसके मुद्दाएं उठाई जा रही थी कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, राजीनामा। तो ऐसे क्या चीज सिचुएशन आई कि उनको 2019 में शिवसेना के साथ में रखना पड़ा और सीट का बंटवारा करके अपने आप को ही खत्म करने को मजबूर होना पड़ा। आपने वो उस टाइम के अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर क्लिप्स वगैरह देखेंगे जी तो उस टाइम ये देखेंगे कि शिवसेना बहुत एग्रेसिव थी जी, हमको इतनी सीट चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको आए नहीं तो हम ड्यूटी तोड़ डालते हैं अगर, लेकिन एंड में इलेक्शन के कुछ एकाध दो दिन पहले आपने देखा होगा कि एकाध दो दिन पहले युति हुई, बिल्कुल शिवसेना बैकफुट पे आ गई, और वो बैकफुट पे जब आई और उन्होंने युति की उसी वक्त मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में एक शंका पैदा हुई थी उस वक्त कि भाई इतनी एग्रेसिवली चलने वाली शिवसेना कि हमको इतने सीट देंगे तो ही 50-50 के उनकी मांग थी जी, लेकिन 50-50 की मांग उनकी पूरी हुई नहीं। अगर
और उनका पिछले 5 साल में यूपी की सरकार के वक्त जो रवैया था, उस रवैया को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार तो शिवसेना बिल्कुल बात भी नहीं करेगी, बिल्कुल यूपी की बात भी नहीं करेगी, संभावना वही बनी थी। लेकिन फिर मन में मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में एक शंका आती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि शरद पवार जी, उद्धव जी और कांग्रेस इन्होंने मिलकर इलेक्शन के पहले ही गणित खेली, ये सब गणित बिठाया था कि नहीं तुम अभी तो यूटी में लड़ो, क्योंकि यूटी के बगैर लड़ोगे और हो सकता है कि बीजेपी अकेली पावर में आ जाएगी, अगर आप साथ में रहोगे तो बीजेपी अकेली पावर में नहीं आ सकती है, इसलिए आप यूटी में लड़ो, इलेक्शन होने के बाद फिर हम एक साथ आते हैं। दिस कैन बी अ प्लान, यस ये हो सकता है। और मुझे उस ये ऐसी शंका है नहीं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा जरूर हुआ होगा। यस यस, तो ये मतलब एक छोटी सी गलती आज भाजपा कितनी भारी पड़ रही है, कितनी नासूर बनी हुई कि 5 साल देखा जाए तो आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे, 105 सीट जीत के भी अपने उद्धव को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिए अपने साथ में, लेकिन उसके उसने मैं आपको एक बात और बोलता हूँ जी, कि अगर उस वक्त जी उद्धव ठाकरे जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती भी ना जी, फिर भी वो आजादी होती, क्यों उनका पहले ही तय हुआ था जी इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन पहले ही शरद पवार जी और उद्धव जी का तय हुआ था कि हमको इलेक्शन के बाद सरकार बनानी, बिल्कुल ये मेरा अनुमान है, बिल्कुल अनुमान है। और जिस तरह से संजय राउत का जो बयानबाजी उस समय चल रही थी, पवार साहब के साथ में और उद्धव जी साथ में बीच में जो उनकी बयानबाजी चल रही थी दिखाया, तो मेरा दिमाग उन्होंने खेला पूरा, रिजल्ट आने के पहले मतलब काउंटिंग शुरू भी नहीं हुआ था कि संजय राउत ये बोले हम कहीं भी जा सकते हैं, सारे विकल्प खुले हैं, है, हमारे लिए सब दरवाजे खुले हैं, रिजल्ट मतलब काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लुधियाना आना भी बाकी था बिल्कुल, और उसी पहले ही उन्होंने, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा प्री प्लान। यस, तो आप मानते हैं कि इसका पूरा मुख्य आधार जो है शरद पवार जी थे, जो महाविकास आघाड़ी को जो है एक तरह से दिखाया है, तो सर उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस वेंटिलेटर पे थी, सारे उनके नेता जो है भाजपा में या शिवसेना में शामिल हो रहे थे, आपने देखा होगा गणेश नाइक हो गए, बहुत सारे संजय पाटिल थे भांडू, सब सब इधर उधर भाग गए, और वही डर था, वही डर था क्या कहीं बीजेपी अकेले लड़ेगी और अगर मेजोरिटी तक पहुंच गई तो सत्ता बीजेपी के अकेले के हाथ में जाएगी, और इसी डर से उन्होंने शिवसेना को किसी भी हालत में बीजेपी के साथ युति करो, उनको अकेले लड़ने मत दो, और आगे चलकर हम बाद में साथ में ये सरकार बनाएंगे। सर ये लास्ट क्वेश्चन एक हमारा ये कि क्या देख रहे हैं 2024 में भी तो तीनों साथ में रहेंगे, तीनों वर्सेस आपका भाजपा और शिंदे गुट, तो क्या देख रहे हैं? आप बोल रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शिवसेना क्यों अभी, हाँ वो अभी शिवसेना है जी, और ये और कैसा है कि शिवसेना में बोलूंगा तो वाटा को भी शिवसेना समझते हैं इसको, इसलिए हम शिवसेना भी शिवसेना है। यस, यस। और ये जो है वो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उबाठा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा ये सवाल है कि तीन पार्टी मतलब महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उबाठा वर्सेस भाजपा और शिवसेना, क्या देख रहे हैं 2024 में? मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा भी है और उसी साल में विधानसभा भी है और उस तक स्थानीय चुनाव भी हो जाए, लोकसभा का तो रिजल्ट फिक्स है जी, लोकसभा में क्या दे रहे हैं आप, 48 में से कितना दे रहे हैं सीट, किसको कितना विन कर रहे हैं, सीट वाटअप छोड़ दो, वाटअप नहीं, मैं कितना कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 42 सीट बीजेपी और अलायंस के साथ आए, जो उनका 48 का जो मिशन है वो सक्सेस होगा, टोटल सीट 48 है, 42 मिशन है ना उनका कि 48 में से 42, मैं वही बोल रहा हूँ कि 42 का मिशन पूरा होगा। यस, ये मेरा पक्का ये है कि लोकसभा में 42 का जो मिशन है बीजेपी का वो पूरा होगा, और अभी विधानसभा का जो मिशन है कि 288 है तो उसको 200 प्लस का बीजेपी का अलायंस, बीजेपी अलायंस का मिशन है, तो मेरा ये तो तय है कि सत्ता तो 2024 में बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी साथ मिलकर ही बनाएंगे, ये तो तय है, सिर्फ अभी देखना इतना है कि किसको कितनी सीट आती है, दूसरा ये देखना जरूरी है कि ये जो आघाड़ी है ये आघाड़ी का क्या होगा जी। मैंने आपको याद है तो मैंने बोला था कि देखो जब तक उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना का फायदा
राष्ट्रवादी को मिलेगा ऐसा उनको लग रहा है, तब तक उनको रखेंगे जिस दिन वो लायबिलिटी हो जाएगी उनके लिए उस दिन वो उनको उठा के फेंक देंगे। और मेरा अनुमान यही है कि अभी ऑलरेडी राष्ट्रवादी कांग्रेस को शिवसेना ये लायबिलिटी लग रही है, उनको ये लग रहा है कि अभी अभी इनके पास है क्या कि हम इनको क्यों संभाले, इसीलिए उनकी सभाएं कैंसिल करते हैं, ये होता है। वो तो है, दिख रहा है। उसी टाइम मैंने ये कहा था कि जैसे 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 आगे समय जाएगा धीरे 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 राष्ट्रवादी और कांग्रेस शिवसेना से दूर चले जाएंगे और इलेक्शन में हो सकता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में इलेक्शन लड़ेगी और उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना बाजू में जाएगी, मतलब थर्ड पार्टी भी जाएंगे वो। ये मेरा तो क्या लगता है कि अभी सवाल तो नहीं कर सकते लेकिन क्या लगता है कि एक हिंदुत्व जो संगठन पार्टी है क्या इच्छा था आएगी तो उसमें कुछ है जैसे कि उद्धव जी अगर फिर से अगर मन बनाए कि चलो अब जो हो गया सो हो गया फिर से क्या कुछ करते हैं क्योंकि राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 100% राजनीति में कुछ नहीं कहा जाता है लेकिन जिस तरीके से अभी उद्धव जी के भाषण हो रहे हैं, जिस तरीके से वो बीजेपी पर टीका कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी पर टीका कर रहे हैं, जिस तरीके से देवेंद्र जी पर टीका कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनके मन में जो कुछ बीता है जो गलतियां हुई है वो भूल जाकर हम चलो फिर से एक बार हाथ मिलेगा, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसा इंटेंशन हुआ तो क्या लगता है कि आप एक वरिष्ठ नेता है भाजपा के, क्या लगता है कि आपके लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आप फिर से ये नहीं समझ रहे कि देखिए राज ठाकरे जी निकले बाहर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लोग उस टाइम भी बोलते थे क्या दोनों ठाकरे एक साथ आ सकते हैं क्या, अभी तक आए, कई बार पोस्टर लगे, बड़े बड़े लोगों ने टीवी पर भी बोला कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों भाई साथ में आते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। देखो क्या रहता है कि ये जब मतभेद हो ना तो मतभेद पैचअप हो सकते हैं, लेकिन ये मनभेद हुए हैं। वैसे अभी की जो पोजीशन बीजेपी और सेना की ऐसी है, उद्धव सेना की, कि अभी मनभेद हो गए, मतभेद नहीं है, मनभेद, अभी मनभेद है, उन्होंने सीमा क्रॉस की है, तो इसीलिए अभी उनको एक्सेप्ट करना भी। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी से बाटा अलग हुई ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। धन्यवाद काली जी। तो हमारा चर्चा यही था जो इसे महाराष्ट्र की राजनीति माहौल जिस तरह चल रही है, जिस तरह से कल 19 जून को जो सभाएं हुई शिवसेना की वर्षगांठ पे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। क्या लगता है कि दोनों शिवसेना फिर से एक साथ हो सकती है? क्या लगता है कि जो हिंदू संगठन पार्टियां हैं एक साथ आने की जरूरत है महाराष्ट्र में? तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए जरूर, अपने सुझाव जरूर लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा चैनल लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद, जय हिंद।